साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ ईस्ट और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बना हुआ था, अब वो लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है और अभी नॉर्थ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में वो स्थित है। और उससे जुड़ा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मध्य ट्रोपोस्फेयर तक एक्सटेंड कर रहा है और ये जो सिस्टम है लो प्रेशर, ये अगले 24 घंटे में और भी सुस्पष्ट और मार्क होने की संभावना है। और बात करते हैं कि इस जो लो प्रेशर सिस्टम बना है तो उसका असर झारखंड पे कैसा रहेगा, तो इसका काफ़ी अच्छा झारखंड पे असर देखने को मिलेगा और जो सितंबर का जो आखिरी सप्ताह है उसमें भी आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। बात करें आज 28 तारीख की, तो आज 28 तारीख में आपको राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी देखने को मिलेगी। और साथ में जो मेन एक्टिविटी जो लो प्रेशर सिस्टम का है वो आज रात से आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। और बात करें तो दक्षिणी जिले जो झारखंड के हैं उसमें एक आध जगह पे है आज भारी बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और जो खासकर जो मध्य इलाके हैं झारखंड के, रांची और उससे सटे हुए इलाके, और वहां पे आपको भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और जो दक्षिणी भाग है झारखंड के वहां पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को जो सिस्टम है उसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा वेस्टवर्ड हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टवर्ड हो जाएगा और पश्चिमी जिलों में गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, इन सब में आपको एक आध जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो है वो बारिश में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तो उतनी कमी नहीं आएगी, बट बारिश की क्वांटिटी में आपको कमी देखने को मिलेगी। और 1 और 2 तारीख तो राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी।